गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 1 द एटिक ऑफ प्राइम इंग्लिश बुक क्लास 3। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस इन पेयर्स, तो ये आपको डिस्कस करना है। नेम द रूम्स शोन इन द पिक्चर्स अबव, तो आपको ये रूम्स दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, तो आपको बताना है कि इन रूम्स को हम क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ड्राइंग रूम, या यू कैन से बेडरूम, दिस इज बेडरूम एंड दिस इज किचन। वट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज रूम्स, इन दोनों रूम्स में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो ये दिस एक्टिविटी इज डन बाय यू। रीडिंग जंक्शन में हमने शुरू करना है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस रीड हाउ अफजल एंड हिज फ्रेंड्स प्ले ऑन अ रेनी डे। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि अफजल और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक रेनी डे मींस जिस दिन बारिश हो रही है, एक बारिश वाले दिन वो कैसे खेलते हैं। रेन रेन रेन, हाउ इट रेन्ड, बारिश बारिश बारिश, कैसे बारिश गिरती है। द ग्रे ड्रॉप्स रन डाउन द ग्लास इन स्ट्रीम्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ग्रे ड्रॉप्स मींस बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरती हैं। ग्लास मींस ग्लास पे, शीशे पे, ग्लास इन स्ट्रीम, और ऐसे जैसे स्ट्रीम होता है छोटा झरना, पानी के झरने की तरह, जैसे वो नीचे जब गिरती हैं तो पानी जब भर जाता है तो लाइक स्ट्रीम, एक छोटे से नदी की तरह वो दिखाई देता है। मोहन अफजल एंड लिटिल नूरी वॉच्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोहन अफजल और एक छोटी सी नूरी है, वो लंबे समय तक ये सब देख रहे हैं। बारिश गिर रही है, नीचे पानी भर रहा है, और एक झरने का या एक छोटी सी नदी का रूप उसने ले लिया है। ओ डियर दे सेड एट लास्ट, और लास्ट में वो कहते हैं, ओ डियर डू यू थिंक इट विल एवर स्टॉप रेनिंग, क्या तुम्हें लगता है कि ये बारिश क्या रुकने वाली है। वी वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले, हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। तो एटिक का मीनिंग मैंने आपको बताना है। एटिक होता है कि स्पेस और रूम इन साइड द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, तो छत के ऊपर एक छोटा सा रूम, यू कैन से, या एक स्टोर रूम जिसे अटारी कहते हैं उसको कहते हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम हो सकता है, क्या छोटा सा स्पेस हो सकता है, छोटा सा रूम हो सकता है जिसमें स्टोरेज वगैरह के लिए भी जिसे यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं एटिक। मोहन हैड एन आइडिया, तो मोहन के पास एक आइडिया था। वाई डोंट वी गो अप टू द एटिक एंड प्ले, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा कि क्यों नहीं हम ऊपर जाके एटिक में खेलें। The other two thought it was a wonderful plan. जो दूसरे दो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी सोचा कि ये बहुत ही wonderful पर बहुत मज़ेदार, you can say कि wonderful, अद्भुत प्लान है। Of the three friends went running up to the wooden stairs and their noisy feet. तो of the three friends, तो तीनों जो दोस्त हैं, friends हैं, went, वो ऊपर चल देते हैं running up, दौड़ते हुए। The wooden stairs, लकड़ी की stairs पे, लकड़ी की सीढ़ियों पे दौड़ते हुए जब जाते हैं तो उनके noisy feet, उनके पैरों की आवाज़ें आती हैं। They found three old brooms, वहाँ उन्हें तीन पुरानी झाड़ू, brooms होती हैं झाड़ू, मिल जाती हैं। And began to play soldier, और तो वो एक गेम शुरू करते हैं खेलना, soldier, सैनिक, सैनिक करके वो गेम खेलते हैं। मोहन फर्स्ट, देन नूरी विद अफजल लास्ट ऑफ ऑल, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे वो ब्रूम्स को अपने कंधे पे रख के और वो इस तरह से मार्च पास्ट करते हैं, जैसे सोल्जर सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, सबसे आगे मोहन है, फिर नूरी, और फिर सबसे लास्ट में अफजल। द एटिक वाजंट वेरी लार्ज, तो जो एटिक है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट द चिल्ड्रन मेड स्पेस टू प्ले, लेकिन वो बच्चे अपने लिए जगह बना लेते हैं वहाँ खेलने के लिए। वाइल दे वर प्लेइंग अफजल्स मदर वॉज बेकिंग हर स्पेशल कुकीज फॉर देम डाउनस्टेयर्स, जब वो तीनों बच्चे ऊपर खेल रहे होते हैं तो अफजल की मदर नीचे अपनी स्पेशल कुकीज़ बना रही होती हैं। डाउनस्टेयर्स मींस नीचे, कुकीज़ यू कैन से बिस्किट्स या कोई इस तरह के लड्डू वो बना रही होती हैं। हर सीक्रेट वॉज दैट शी डिप्ड द डव इन शुगर सिरप टू स्वीटन इट, तो उनका सीक्रेट क्या है कि वो डव जो है, गूंधा हुआ आटा है, उसको शुगर सिरप में, चीनी का सिरप बना के उसको मीठा बनाने के लिए उसमें डिप करके उसको मीठा करती हैं। शी कुड हियर देम एज दे मार्च अलोंग, और वो उन्हें सुन सकती है, उनकी आवाज़ों को वो सुन सकती है जब वो ऊपर मार्च पास्ट कर रहे होते हैं सोल्जर सैनिक बन के,
शी कुड इवन हियर्स अफजल्स कमांड, और वो अफजल की आवाज भी सुन सकती है जब वो कमांड देता है अबाउट टर्न एवरी टाइम दे रीच्ड वन एंड ऑफ द रूम, और हर टाइम वो एक कोने से दूसरे कोने तक टर्न करते हैं. बाय एंड बाय दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग सोल्जर, इस तरह से काफ़ी देर तक वो जब ये गेम खेल रहे होते हैं उसके बाद वो थक जाते हैं. दे वर टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेल खेल के थक जाते हैं ये सोल्जर गेम. दे पुल डाउन सम ओल्ड ड्रेसेस एंड हैट्स दैट वर हैंगिंग ऑन अ पेग, तो उसके बाद वो पुल डाउन जो कुछ ड्रेसेस और हैट्स जो वहाँ पे टंगी हुई हैं, पैग मीन्स यू कैन से खूटी या जो कील वगैरह लगी हुई है उन पे कुछ ड्रेसेस और हैट्स टंगी हुई है उन्हें वो उतार देते हैं. पुट देम ऑन, उन्हें पहन लेते हैं. एंड एक्टेड लाइक ग्रोन अप्स, और फिर वो बड़ों की तरह एक्टिंग करते हैं, जैसे बड़ों के कपड़े हैट्स ड्रेसेस पहन के बड़ों की तरह एक्टिंग करते हैं. देन आउट ऑफ एन ओल्ड बॉक्स दे ड्रैग्ड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, और फिर ऊपर क्योंकि वो जो अटारी है एटिक है वो एक स्टोर रूम की तरह है, तो उसमें एक ओल्ड बॉक्स रखा हुआ है, कोई पुराना बक्सा रखा हुआ है, उसमें से वो ड्रैग्ड मीन्स निकाल लेते हैं एक स्क्रैप बुक. एक स्क्रैप बुक होती है जिसमें आप यू कैन ड्रॉ एंड राइट, जिसमें आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं, इस तरह की एक स्क्रैप बुक उस बक्से में रखी हुई है, उसे वो निकाल देते हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं. एंड सेट डाउन टू लुक देम ओवर, और फिर वो बैठ जाते हैं और उन पिक्चर्स को देखना शुरू कर देते हैं. इन द मीन टाइम, इसी दौरान लता राइट, लता आ जाती है. लता वाज अफजल्स फ्रेंड, ये लता है, ये अफजल की फ्रेंड है. शी वॉज रैप्ड इन ए येलो रेनकोट, तो उसने पूरा एक येलो कलर का रेनकोट पहना हुआ है. एंड वॉज वियरिंग मैचिंग गैलोशीज, और उसने ये मैचिंग गैलोशीज होते हैं रेन शूज जिनको बोलते हैं, तो रेन शूज जो आप यूजली जो शूज पहनते हैं उनके ऊपर पहन सकते हैं, उनके ऊपर इसने ये गैलो शूज पहने हुए हैं. शी हैड ब्रॉट अ बास्केट, उसके हाथ में एक बास्केट भी है. विथ टू ऑफ हर एक्सट्रीमली लवेबल किटन इन इट, और उसमें उसके दो बहुत ही प्यारे एक्सट्रीमली बहुत ही क्यूट से बहुत ही प्यारे से दो छोटे छोटे किटन हैं, किटन होते हैं बिल्ली के बच्चे उसमें हैं. अफजल एंड हिज फ्रेंड्स आर इन द एटिक, अफजल और उसके फ्रेंड्स एटिक में हैं. सैड अफजल्स मदर, अफजल की मदर उन्हें उसे बताती हैं. सो लता रन अप टू फाइंड देम, लता दौड़ते हुए उनके पास जाती है, उन्हें ढूंढने के लिए जाती है. शी डिड फाइंड देम, वो उन्हें ढूंढ भी लेती है. बट व्हाट डू यू थिंक दे वर अप टू, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे ऊपर. ऑल ऑफ देम वर फास्ट एस्लीप, वो सारे के सारे बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे. तो व्हाट डू यू थिंक लता डज व्हेन शी सीज दे आर एस्लीप, तो आप अब खुद सोच के बताइए कि लता क्या करेगी जब उन्होंने देखा उन्हें अपने उन सारे फ्रेंड्स को सोते हुए. तो दिस इज योर चैप्टर वन द एटिक, तो रीड दिस चैप्टर एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक. थैंक यू.